मासूम बच्चों की मौत। यूपी के अमरोहा में दो नवजात बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गई और तीसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतक के दोनों परिवार वालों ने अस्पताल में जाकर जमकर हंगामा काटा है और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस मौके पर है और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। मामला गजरौला के एक प्राइवेट अस्पताल का है, जहां पर इलाज के दौरान दो बच्चों की मौत होने से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने हंगामा शुरू किया तो डॉक्टर साहब अस्पताल से फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराकर कार्यवाही करने की बात कही है। गजरौला के मोहल्ला आजाद नगर में रहने वाले उस्मान का बेटा उम्र 4 दिन और दूसरा बच्चा पिंटू निवासी सिहाली गोसाई आयु 6 दिन, जो कि डॉक्टर जी के त्यागी के यहां पर 3 दिन पहले ही भर्ती कराया गया था। परिवार वालों ने आरोप लगाते हुए बताया कि गलत दवाई लगने से दोनों बच्चों की मौत हो गई है। दोनों ही नवजात शिशुओं का आधे घंटे में शरीर काला पड़ गया और उनकी मौत हो गई। मेरे त्यागी का फिर क्या हुआ? 3 दिन से ही बोले, 1 दिन भर्ती रहना, 2 बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1 दिन के बाद में इन्होंने वो कर दिया, बोले हम बोले 1 दिन लाओ हमारा बच्चा दे दो, ठीक है अब तो, बोले नहीं अभी और भर्ती रहना, ये दूसरा दिन हो गया जी। फिर हमने 3 दिन का बच्चा दे दो जी हमारा, अब तो बच्चा ठीक है, रो रहा है तो, बोले नहीं, हमने कहा जी फिर दूध तो देना, 2 बच्चों को हमारे, बोले अभी नहीं, जब तक हम डॉक्टर साहब नहीं बताएंगे जब तक नहीं, ये नहीं ठीक है। तो अब क्या अभी बच्चा हमारा खत्म कर दिया साहब 1 घंटे का, उन्होंने कौन सी दवाई कह दी थी। यहाँ जो उपचार के दौरान दो बच्चों की जो मौत हुई है और आप पे जो आरोप लगाया जा रहा है उसके बारे में बताइए। भैया देखो, दोनों बच्चे, एक बच्चा तो बहुत ही प्रीमेच्योर था, जब वो एडमिट हुआ था तभी उन्हें बता दिया था भाई ऐसे बच्चों में कभी भी कुछ भी होने लगता है। तो आज जब वो पहला बच्चा जो एक्सपायर किया है वो इन्फेक्शन में था, उसके लिए सुबह उन्हें बताया, सुबह उसको फीवर भी हो गया था बच्चे को, सुबह जो है उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी, फिर वो कंट्रोल हो गई, ऑक्सीजन वगैरह उसको चालू की, पहले ऑक्सीजन पे नहीं था। फिर उसको जो है टेस्ट करवाए गए, उसमें उसकी TLC पहले से बढ़ गई थी, जो वो पहले करा के लाए थे उससे बढ़ गई थी, तो उसमें और प्लेटलेट कम हो रही थी, तो उसको जो है फिर और एंटीबायोटिक्स ऐड की गई। 1 बजे करीब उसको जो एंटीबायोटिक लगवाई थी, टेस्ट करवा के एंटीबायोटिक लगवाई थी, 3 बजे के करीब बच्चा जो है अचानक साइनोसिस में चला गया, ऑक्सीजन उसकी बहुत कम हो गई, उसकी नब्ज़ हल्की पड़ गई, फिर उसको मैनेज किया गया। लेकिन बच्चों के परिजनों ने जो आरोप लगाया है वो कह रहे हैं कि दवाई लगने के बाद में, जब यहाँ बच्चा आया था तब ठीक था, उसके बाद में जो नीला पड़ा है बच्चा। भैया बच्चा तो मेरे यहाँ वो परसों से था, 2 दिन से एडमिट है, तो बच्चा तो ठीक ही चल रहा था, सुबह उसकी दिल की धड़कन बढ़ी है, तब मैंने उनको बताया है कि भाई दिल की धड़कन बढ़ गई है बच्चे की, फ़ीवर हुआ है बच्चे को, 101 डिग्री उसे फ़ीवर हो गया था, फिर वो ठीक हुआ दवाई ववाई लगवा के, फिर जांचे वाँचे भेजने के बाद में तब उसको दवाई बदली गई। दवा तो 1 बजे लगी है, उसके बाद तो बस मशीन चल रही है और बाकी अपने जो ग्लूकोज चलता रहता है वो चल रहा है, बच्चे की हालत 3 बजे बिगड़ी है। जैसे जो परिजन आरोप लगा रहे हैं कि आपसे छुट्टी करने के लिए बोला गया था लेकिन आपने उसे 2 दिन यहाँ पर रखा है, भैया ऐसा मुझसे बिल्कुल नहीं कहा, उस तो सुबह मेरे पास बच्चे का बाप खुद रिपोर्ट लेकर आया, उसने मुझसे रिपोर्ट दिखाने के बाद में मैंने उसे रिपोर्ट के बारे में सब जो है समझाया कि भाई ऐसे ऐसे स्थिति है, उसने तब भी मुझसे नहीं कहा कि हम अपने बच्चे को जो है कहीं और दिखा लें क्या, अगर वो कहते मैं तुरंत छुट्टी कर देता। अच्छा जैसे आपके हैं 2 बच्चों का जो 2 बच्चे जो एक्स हो गए हैं, तो जैसे परिजन और भी आरोप लगा रहे हैं कि हमने जैसे छुट्टी के लिए बोला उस पर भी नहीं, आपके स्टाफ के ऊपर भी आरोप लगा। भैया छुट्टी को कोई बोलेगा क्यों नहीं, हम छुट्टी करेंगे, लेकिन वही उन्होंने अपना वो तो बाद में कुछ भी कहे भाई, बाद में तो कहते ही रहते हैं कि हम छुट्टी को कह रहे हैं जी हमारी छुट्टी नहीं करी, हम किसी को दींगा दस्ती थोड़ा ही ना रोकेंगे, जो जब जाना चाहे भैया तब जा सकता है अस्पताल, जब आए हो जब आज जब कोई आएगा उसका स्वागत है, जब जो जाना चाहेगा हम क्या मना थोड़ी करेंगे, दींगा दस्ती थोड़ी ना किसी का इलाज करेंगे। अच्छा कितनी उम्र थी बच्चों की? जो बड़ा बच्चा था वो पैदा हुआ था 3 तारीख में शायद, मुझे उन्होंने 3 में दिखाया, पहले OPD में दिखाया था 3 में, फिर 4 में वो एडमिट हुआ परसों। नहीं आपके हैं तो उम्र लिखी जाती है। हैं जी आपके हैं आयु तो लिखी जाती होगी एडमिट होने से पहले। हाँ बता रहा हूँ ना, वो पैदा होते ही दिखाया था, 3 तारीख को दिखाया था, वो 1 दिन का था जब दिखाया था, दूसरे दिन वो भर्ती हुआ 4 तारीख।